दोस्तों आज हम सीखेंगे LNT का WL4110 मल्टीफंक्शन मीटर की कंट्रोल वायरिंग एंड प्रोग्रामिंग। ये अपना पीछे का व्यू है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये N वाले में न्यूट्रल, L वाले में फेस और VN में न्यूट्रल, VB में वी फेस, VY में वाई फेस, VR में आर फेस, जो AB है उसमें वी फेस का S1, S2, CT वाले कोयल के वायर, AY में S1, S2 में वाई फेस के वायर, AR में S1, S2, आर फेस के वायर। अब आगे हम इसके अंदर वायर कनेक्ट करेंगे, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, जिसके अंदर आपको कंट्रोल वायरिंग करना बहुत ही आसान तरीके से आप सीख पाओगे। दोस्तों ये अपनी इनपुट सप्लाई है आर फेस, तो हम सबसे पहले एक MCB लगा रहे हैं 2 एम्पीयर की, तो यहाँ पे वायर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में अपना जो ये वाला वायर है, यहाँ पे L लिख रहा है, वहाँ पे कनेक्ट करेंगे एक्सिलरी सप्लाई में। उसके बाद में अपना जो R लिख रहा है यहाँ पे, देखिए आप, तो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अब हम वाई फेस MCB में कनेक्ट करेंगे और उसके बाद में अपना जो ये वाला वायर है, ये VY पे कनेक्ट करेंगे। अब वाई फेस MCB में कनेक्ट करके और अपना ये वाला वायर यहाँ B लिख रहा है, वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अभी हमने तीनों फेस इसके अंदर कनेक्ट कर दिए। अब अपना न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। दोस्तों अब अपने पास न्यूट्रल बच गया, तो न्यूट्रल वाला यहाँ VN लिख रहा है, वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। न्यूट्रल बचा है जो एक्सिलरी सप्लाई के अंदर जो एन लिख रहा है, वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अपना दोस्तों अपना जो पावर वायरिंग थी इसकी कंट्रोल में, RYB फेस न्यूट्रल, ये तो अपना लाइट का हो गया। अब उसके बाद में अपना इसको करंट मेजर देने के लिए जो 3 CT होती है, तो यहाँ पे आप देखिए ये 1, 2, 3 CT लग रही है, जो इनके ये 2-2 वायर है, तो इसमें ब्लैक वाला तो सबका कॉमन हो के यहाँ पे कॉमन आ रहा है। उसके बाद में RYB फेस तीनों फेसों का एक एक वायर यहाँ पे आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो अपना S2 वाला जो पॉइंट है, S2, तो उसमें जो ब्लैक वाले हैं इन सभी को कॉमन करके ऐड करेंगे। अपना जो S2 कॉमन था वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इसके अंदर सबसे मेन बात यह है कि जिस फेस में आप या आर लगा रहे हो, तो आर फेस की CT का वायर यहाँ पे होना चाहिए, वाई वाला वाई फेस का CT का वायर होना चाहिए, बी फेस का बी फेस CT का वायर होना चाहिए। अगर अपन चेंज कर देते हैं ना, तो उसे एम्पियर और पावर फैक्टर किलोवाट सब भी गलत मिटाएगा एम्पियर मीटर। तो हम क्या करेंगे, जिस फेस में हमने आर दे रखा है यहाँ पे, तो आर वाला वायर यहाँ कनेक्ट करेंगे S2 पे, वाई S1 पे हो गया और ये बी S1 पे, इसको कनेक्ट कर देते हैं। बी वाला बी में कनेक्ट कर दिए, वाई वाला वाई पे, आर पे। अपना ये पावर और CT के कनेक्शन हुए, तो आप आसानी समझ गए होंगे प्रैक्टिकल के रूम में कि एक मल्टीफंक्शन मीटर का CT के वायर और पावर सप्लाई कहाँ पे कनेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।